हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा प्रयाग में। आज का सफ़र शुरू करने से पहले उन दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बनी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले समय में नए नए वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सबको मिलती रहे। आज हम चल रहे हैं बाबूगंज। बाबूगंज ये एक छोटा सा मार्केट है, हालांकि अब तो एक अच्छा मार्केट हो गया है, बहुत अच्छा मार्केट है। पहले एक छोटा सा मार्केट हुआ करता था, अब भी बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मार्केट है, जो कि सहसों और फूलपुर के बीच में पड़ता है। सहसों और फूलपुर के बीच में ये एक जाफरपुर और बाबूगंज मार्केट है। तो यहाँ हर तरह के सामान उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। हर बुधवार और शनिवार को यहाँ एक बड़ी सब्जी मंडी और अन्य सामान की मंडियाँ लगती हैं, फल सब्जियाँ सप्ताह के सातों दिन मिलते हैं। दो बैंक हैं यहाँ पे और मार्केट ये एक अच्छा डेवलप्ड, बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप्ड मार्केट है। ढेर सारी मिठाइयों की दुकानें हैं, अच्छी मिठाइयाँ भी मिलती हैं, कपड़े की दुकानें हैं और जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, आरके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ बाबा मन कामेश्वरनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे अक्सर सावन के माह में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है और भंडारों का भी आयोजन होता रहता है। वैसे भी साल भर इस मार्केट में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इधर और सड़क जब से चौड़ी हुई है तो दुकानों का भी ढांचा बदला है, अच्छे स्तर की उच्च क्वालिटी वाली सामानों की मांग के बढ़त से यहाँ दुकानों पे अच्छी गुणवत्ता के सामान भी मिल जाते हैं। ये सीताराम सिंह इंटर कॉलेज बाबूगंज के सामने तक हम आ चुके हैं, तो यहाँ से हम टर्न मारेंगे वापस। ये सीताराम सिंह इंटर कॉलेज और यहाँ से बाएं तरफ जो सड़क जाती है वो चिरौड़ा निकल जाती है, आटा चिरौड़ा, और इसी तरह ये निकल जाती है उदयपुर। सुबह का समय है, लगभग 9:30 बजे है। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है और विद्यालय तो बंद ही चल रहे हैं, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। शाम के समय यहाँ भीड़ बढ़ जाती है अक्सर करके, और ये मन कामेश्वरनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है। यहीं बगल में उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबूगंज, यहाँ से हम पाली की तरफ टर्न लेंगे।